वेलकम टू न्यूयॉर्क के प्रोड्यूसर वाशु ने सलमान और अरिजीत के विवाद को लेकर कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि कम से कम लोग मुझे इस बारे में कंफर्मेशन के लिए पूछते। राहत फतेह अली खान की आवाज में रिलीज हुए फिल्म के गाने इश्तिहार के कंपोजर शमीर टंडन का इस मामले पर कहना है कि मैंने अरिजीत के गाने को हटाए जाने की खबरों को जब टीवी पर देखा तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरिजीत ने वेलकम टू न्यूयॉर्क में कोई गाना गाया ही नहीं था और न ही कोई स्क्रेच रिकॉर्डिंग की थी। शमीर टंडन ने कहा है कि इस गाने के लिए उन्हें जिस तरह की आवाज चाहिए थी राहत उसमें फिट बैठ रहे थे, इसलिए हमने उनसे इस गाने को गाने के लिए कहा। शमीर ने कहा कि जब अरिजीत ने गाया ही नहीं तो हम उसकी आवाज कैसे हटा सकते हैं, ये वाकई अफवाहों का एक बुरा मामला कहा जा सकता है। इस तरह की चर्चाओं ने एक तरह से पूरे इकोसिस्टम को खराब कर दिया है। बॉर्डर पार बैठे राहत भी इस सब को देखकर क्या सोच रहे होंगे और अरिजीत कोई स्क्रैच सिंगर नहीं है। वाशु ने कहा, देश में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर चल रही गहमा गहमी के चलते बॉलीवुड ऑनलाइन और वेब फाइल के जरिए ही पाक कलाकारों के गाने रिकॉर्ड कर रहा है। जब से पाक कलाकारों ने देश में आना बंद किया है तब से वेब फाइल के एक्सचेंज के जरिए ही काम हो रहा है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।